कमेंट ऑन द ऑनगोइंग ऑपरेशंस बिकॉज़ दे आर स्टिल ऑनगोइंग। आधी रात को पाकिस्तानी सीमा में पहुंची भारतीय एयरफोर्स। पाकिस्तान बॉर्डर के पास गरजी भारतीय एयरफोर्स। रात में तेज आवाजों से दहल उठे लोग। पाकिस्तान सीमा के पास अचानक बढ़ने लगी है हलचल। भारतीय वायुसेना ने पंजाब में पाकिस्तान से लगी सीमा पर कल देर रात एक बड़ा अभ्यास किया। पाकिस्तान की ओर से हमले के किसी भी खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पंजाब से सटी पाकिस्तानी सीमा के पास बड़े पैमाने पर अभ्यास किया। पंजाब में पाकिस्तानी सीमा के पास जब भारतीय वायुसेना का ये अभ्यास चल रहा था, उसी दौरान आसपास के इलाकों में भारी विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इससे अमृतसर शहर में लोगों में तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जाने लगी। असल में अभ्यास के दौरान बड़े संख्या में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और जम्मू के क्षेत्र के ऊपर सुपरसोनिक बूम तैयार कर दिया था। पंजाब के अमृतसर शहर में रात में तेज आवाजों से लोग दहल गए। उस समय इन तेज आवाजों के पीछे का कारणों का पता नहीं चल सका। इससे पहले पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान बुधवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास दिखा। इसके बाद हवाई अलर्ट जारी किया गया था। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली ने पुंछ में पाकिस्तानी विमान को सीमा में 10 किलोमीटर अंदर तक देखा। एक अधिकारी ने कहा कि 27 फरवरी को नौशेरा सेक्टर में आए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को खदेड़कर उनकी सीमा में भेजा गया था। उसके बाद ये पहली घटना है जब पाकिस्तान विमान पुंछ के नजदीक दिखा। बता दें 26 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के बालाकोट शहर में जैश के आतंकी शिविर पर हवाई हमले के बाद से भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है। कुछ दिनों पहले वायुसेना प्रमुख BS धनोहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संकेत दिए थे कि पाकिस्तान के खिलाफ वायुसेना का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। Going operations, I will not comment on it. बता दें पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर भारत चौकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।